मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हॉल्स। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, मेरा ये जो वीडियो है आज का, ये कम्प्लीटली एक मेकअप लुक वीडियो है, बट ये बहुत ही रीज़नेबल जो प्रोडक्ट है उस पर बेस्ड है। और ओनली 3 प्रोडक्ट्स की हेल्प से मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। कोई भी अफोर्ड कर सकता है ईजिली, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, हाउसवाइफ, तो कोई भी वो इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो विदाउट एनी डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेरे पास 3 प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ N.Y. Bae कोल, ठीक है गाइस। सेकंड वन इज़ N.Y. Bae स्पॉटलेस कंसीलर एंड थर्ड वन इज़ लिपस्टिक। गाइस, ये जो लिपस्टिक है ये मुझे इन 2 प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद ऑफ़र में मिली है, तो ये मेरे लिए फ्री प्रोडक्ट है और केवल इन 2 का प्राइस ही मैंने पे करा है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं लुक क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम कंसीलर यूज़ करेंगे, फेस का बेस बनाएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, आपको पहले ही अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखना है, क्लिंजर, टोनर एंड देन मॉइस्चराइज। उसके बाद ही, स्किन केयर के बाद ही कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कंसीलर लिया है, बहुत हल्का हल्का लगाएंगे, बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट, बहुत लाइट लग रहा है। ठीक है गाइस, इसका प्राइस और क्वांटिटी वगैरह सब कुछ आप लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी गाइस, आप वहां से इसकी सारी डिटेल प्रोडक्ट की चेक कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग ऑफ़र चलते रहते हैं और ये मैंने purple.com से परचेज़ किया है। तो इस तरह से पहले पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे और अपनी नेक पे ही भी करना है। नेक को आपको नहीं छोड़ना है, मेकअप करते हैं नेक भी बहुत असेंशियल पार्ट होता है। उसके बाद गाइस हमें ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके स्प्रेड करना है। और गाइस आपका ब्यूटी ब्लेंडर वेट होना चाहिए, आपको इसे थोड़ी देर पानी में डिप करके रखना है और उसके बाद उसे अच्छे से स्क्वीज़ करना है एंड देन आपको फिर फाउंडेशन को स्प्रेड करने के लिए यूज़ करना है, वो भी आपको डैब डैब करके ही करना है। इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे, लाइनिंग आ जाएगी। देखिए गाइस कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, बहुत ही क्रीमी है ये कंसीलर। इस प्राइस में इस तरह का कंसीलर नहीं मिलेगा आपको। अपने ईयर्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर डिफरेंट कलर होता है तो वो पता चल जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरे में ये अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब मैं इस लिप शेड की हेल्प से एज अ ब्लश यूज़ करूँगी, एज आ आई शेडो यूज़ करूँगी। तो गाइस दिखा देती हूँ, इसकी पैकेजिंग इस तरह की है। गाइस ये कोई आई एम्स्टरडैम के नाम से एक कोई होगा, मुझे इस ब्रांड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बिकॉज़ ये फ्री प्रोडक्ट आया था और मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना है, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह का ये शेड है, सॉरी इसका लुक है, शेड दिखा देती हूँ। दिस इज़ अ न्यूड शेड, ठीक है। तो इसलिए आज का मेकअप लुक भी कंप्लीट न्यूड होने वाला है, न्यूड मेकअप लुक होने वाला है। बहुत ही हल्का हल्का सा आपको पहले अप्लाई करना है। वैसे तो न्यूड है ये लिप कलर, तो इतना ज़्यादा कलर आपके उसमें नहीं जाएगा, आप पहले इसे लगा लीजिए इस तरह से। और देन आपको विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर इसे अच्छे से डैब डैब करके स्प्रेड करना है। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं आप चीक्स को मैंने कितना पिंकिश बना लिया है, थोड़ा सा पिंक पिंक हो गए हैं, बस ये इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा नोज बोन में लगा लेंगे। देखिए कितने अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसे एज आ आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप। इस तरह से बहुत आपको स्मूथली अप्लाई करना है। बहुत ही लाइट पिंकिश कलर है ये एक तरह से, तो बहुत प्यारा न्यूड शेड लग रहा है गाइस। ये मुझे वैसे तो पर्सनली लिपस्टिक नहीं पसंद आई है क्योंकि ये बहुत क्रीमी है, बट अगर मैं इसे देखूं, इसका कलर शेड जो है वो मुझे बहुत पसंद आया है। तो गाइस नेक्स्ट मैं ये यूज़ करने वाली हूँ एन वाई बे द बिग एप्पल ऑफ माई आई गोल। ठीक है गाइस, तो इसका प्राइस है ओनली 99 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गया था मुझे ये सभी चीज़ें। और कंसीलर का प्राइस भी आपको बता देती हूँ, कंसीलर का प्राइस था 195 रुपीज़, बट ये भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह का इसका पॉइंट है, इसकी हेल्प से अब मैं थोड़ा सा आई कॉर्नर्स में स्मोकी लुक देने के लिए इसको अप्लाई कर लूँगी। और फिंगर टिप की हेल्प से मुझे इसे अच्छे से स्प्रेड करना है, तो अभी इस तरह से अब मैंने स्प्रेड कर लूँगी एक शेप देते हुए। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। ठीक है गाइस, और उसके बाद मैं बहुत ही ओनली 2 स्ट्रोक इसे अप्लाई करूँगी एज अ कोल काजल। ठीक है गाइस, एंड देन इसी की हेल्प से आपको ये वाला आई ब्रश यूज़ करना है। दिस इज़ अ फ्लैट ब्रश एंड आप इसे एज अ, मैं विंग आई लाइनर लगा रही हूँ। इसी तरह से तो गाइस देख सकते हैं एज अ आई लाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है, सॉरी। इसी तरह मैं अब इसे एज अ ब्रश में लेके अपनी ब्राउज़ को फिल करूँगी। फिल करने से पहले मुझे उसमें आउटलाइन करनी है ब्राउज़ में, जो भी शेप है आपकी आप उसे पहले आउटलाइन कर लीजिए। ठीक है गाइस, और उसके बाद आपको ये स्प्रेड करना है जस्ट लाइक दिस। और अगर आपको लगे थोड़ा एक्सेस हो रहा है कहीं पे, तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी तरह से मैं दूसरी आई में भी कर लूँगी। तो गाइस देख सकते हैं मैंने दूसरी ब्रो को भी फिल कर लिया है इसकी हेल्प से। देखिए मैं डायरेक्ट इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर मुझे नहीं लग रही शेप, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ये थोड़ा फ़ोन में देख के कर लिया है। आप मिरर यूज़ करके करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है गाइस, तो अब थर्ड वन इज यूज़ दिस लिपस्टिक। तो गाइस ये लिप शेड है, तो देखिए गाइस मैंने ये लिप शेड अप्लाई कर लिया है। बहुत ही लाइट शेड है, एकदम न्यूड शेड है। अब मैं दिखा देती हूँ अपना लुक आपको। ठीक है गाइस, तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप लुक? बहुत ही लाइट, नेचुरल और न्यूड लुक है। और सबसे बड़ी बात है ये जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। मुझे नहीं लगता ये जो मैंने लुक क्रिएट करा है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा का है। तो गाइस आप भी इसी तरह ये लुक क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्ट। मैं इन सभी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। टिल देन बाय बाय।